नमस्कार साथियों, भूमिका शब्द संस्कृत शब्द भूमि से बना है जिसका अर्थ होता है मातृभूमि। भूमिका संज्ञा रूप में प्रयुक्त होने पर यह एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। हो सकता है भूमिका का अर्थ होता है अपने काम का परिचय देने का काम, जैसे आप कोई भूमिका देते हैं। अगर किसी निबंध में बात करें तो निबंध की प्रश्नों का कोई न कोई भूमिका होती है। यह भूमिका निबंध का प्रारंभ करने वाली होती है, शुरुआत होता है। यह भूमिका निबंध के मुख्य विषय को परिचय देती है और पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। भूमिका निबंध के उदाहरण के रूप में तथा उसके गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आपको सुचारू रूप से निबंध का आरंभ करना होता है और इसके लिए भूमिका की आवश्यकता होती है। भूमिका एक व्यक्ति या स्थान की एक विशेषता होती है जो किसी भी संदर्भ में उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह दरअसल किसी उत्पाद, सेवा या कार्य के पूर्व लक्षणों और उल्लेखनीय पहलुओं को समझने में मदद करती है। एक निबंध में भूमिका देने का मूल उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना होता है कि आप अपने पाठक को या जो पढ़ रहा है उसे उसके विषय में कितना पूर्णतया समझाने वाले हैं, जिस पर आप लिख रहे हैं या जिस बिंदु पर आप अपना पक्ष रख रहे हैं। वास्तव में कहें तो एक अच्छी भूमिका निबंध 2-3 पैराग्राफ का होता है जिसमें निम्नलिखित बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, संक्षेप में विषय का परिचय दें। आपको अपने पाठकों को उस विषय से अवगत कराना है जिसके लिए शुरुआत में उसका आप संक्षेप में परिचय देना चाहते हैं। यह एक उस बिंदु से शुरुआत करना है जो आप अपने निबंध में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अर्थात कितना इम्प्रेसिव होगा आपका भूमिका। दूसरा पॉइंट है, भूमिका का विवरण दें, यानी डिस्क्रिप्शन। इस भाग में आपको विषय की पूर्णता को दिखाने के लिए विस्तृत उल्लेख करना होगा। वहां आप उस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि इसके वर्णन में, इससे संबंधित समस्याओं की पहचान में, अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में आदि। ये सारी चीजें आप अपने भूमिका में शामिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आगे की क्रियाओं की एक त्वरित समीक्षा। आगे क्या होने वाला है, निबंध के अंत में आप अपने पाठकों को उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की है आपसे, उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगली क्रिया के बारे में बताएं या फोरक्लोजर बताएं। आप ऐसे संदर्भों का उल्लेख कर सकते हैं जो आप निबंध में उठाते रहे हैं या आपने लिखा है। इससे आप अपने पाठकों की मदद करेंगे जो अपने आगामी कार्यों के साथ संबंधित भूमिका को समझाने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार साथियों, हम कह सकते हैं कि एक निबंध में यानी एक ऐसे में आपको अपने विषय के बारे में समझ के बढ़ते समर्थ करता है, यानी आपको महत्वपूर्ण ये होता है कि आप अपने ऑडियंस को या जो रीडर है उसको कितना बढ़िया से समझा पाते हैं। भूमिका का अर्थ होता है किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले उस कार्य के बारे में पूरी तरह से परिभाषा देना, महत्व और उद्देश्य की तथा उन विषयों की चर्चा करना। भूमिका संज्ञा रूप में इस्तेमाल होने पर यह किसी विषय के ज्ञान को और भी स्पष्ट करता है और उसे सुगम बनाता है। निबंध के अंत में भूमिका का अर्थ यह करना होता है कि मुख्य विचारों को संक्षेप में दोहराया जाना चाहिए। भूमिका निबंध का सही संरचना बनाने के लिए आपको समय समय पर उसे संपादित करना चाहिए और अंतिम रूप निभाना चाहिए, यानी आपका जो निबंध है वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचे। या अभी केवल एक संक्षेप में भूमिका की गहराई को छूने का प्रयास है, इसके साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्पष्टता और समय का पालन करते हुए भूमिका निबंध को विस्तृत और गहराई से लिखा जा सकता है।
इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति जानें, समझ लें यह महत्वपूर्ण है। निबंध को मजबूत और सुरक्षित रखता है आपका भूमिका। आपकी भूमिका कैसी है ये डिसाइड कर देता है कि आपका निबंध कैसा है। आशा है कि यह जानकारी आपको भूमिका का अर्थ और भूमिका निबंध के लिए कितना आवश्यक है इसके बारे में बताने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड नमस्कार।